नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्षद। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद अब पूरी कैबिनेट भी बदल गई है। कैबिनेट में इस बार नो रिपीट, मतलब दोबारा किसी को जगह नहीं मिली, बल्कि नए चेहरे शामिल किए गए जिनमें अलग अलग समुदाय का खास ख्याल रखा गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम में पटेल समुदाय से 8, क्षत्रिय समुदाय से 2, ओबीसी समुदाय से 6, एससी से 2, एसटी समुदाय से 3 और जैन समुदाय से 1 मंत्री को शामिल किया गया। इसके अलावा गुजरात के अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो उत्तर गुजरात से 3, दक्षिण गुजरात से 7, मध्य गुजरात से 6 और सौराष्ट्र से 8 मंत्रियों को भूपेंद्र कैबिनेट में जगह दी गई है। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। तो आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों के बारे में। पहले मंत्री हैं राजेंद्र त्रिवेदी, जो कि रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। दूसरे मंत्री हैं जीतू वघानी, जो कि भावनगर से विधायक रह चुके हैं विधानसभा क्षेत्र से, जो इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है, जीतू वघानी को। तीसरे पर बात करेंगे ऋषिकेश पटेल, जो कि विसनगर से विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र विसनगर से हैं। फिर हैं प्रणेश मोदी, जो कि सूरत पश्चिम से विधायक हैं, सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राघव जी पटेल, जो कि जामनगर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। कनु देसाई, जो कि पार्डी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। किरीट सिंह राणा, लिमडी से ये विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नरेश पटेल गणदेवी, ये विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। प्रदीप परमार, जो कि असारचा से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। चौहान अर्जुन सिंह महमदाबाद से ये विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हर्ष सांघवी, जो कि माजुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। जगदीश पांचाल, जो कि निकोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। जीतू चौधरी, जो कि कापराड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ब्रजेश मिर्जा मोरबी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनीषा वकील, जो कि वडोदरा सिटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। मुकेश पटेल ओलवाड़ विधायक हैं, ये विधानसभा क्षेत्र से। निमिषा सुथार, जो कि मोरवा हड़प विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। कुबेर डिंडोर, जो कि संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें रखा गया है। अरविंद रयानी, जो कि राजकोट साउथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विनोद मोर्दिया, जो कि कटरगाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। आरसी मकवाना, जो कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। कीर्ति सिंह वाघेला कांकरेज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं ये। गजेंद्र सिंह परमार, जो कि प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। देवा भाई मालम, जो कि केशोद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। एक तरफ जहां गुजरात में नए मंत्रियों ने शपथ ली, वहीं गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा को अब नया स्पीकर भी मिलेगा। इसके साथ ही गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह के बाद शाम को पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।